मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार या राजनीति विज्ञान के तत्व के शीर्षक समानता इक्वालिटी, समानता मतलब इक्वालिटी का अध्ययन कराना है। सबसे पहले आता है इक्वालिटी क्या है, समानता क्या है। सबसे पहली बात आता है, पहला हमारा टॉपिक आता है समानता क्या है। साधारणतः हम समानता की बात करते हैं तो मनुष्य जन्म से समान होता है, इसी कारण सभी व्यक्तियों का समान अधिकार और समान व्यवहार होना चाहिए। किंतु इससे पहले हमने स्वतंत्रता की बात की, स्वतंत्रता का अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितनी हमारी पृथ्वी समतल है। कितनी हमारी पृथ्वी समतल है उतनी ही स्वतंत्रता है। प्रकृति द्वारा सभी व्यक्तियों को समान शक्तियां नहीं दी गई है। कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ कुशाग्र बुद्धि होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। ये विभिन्न असमानताएं, विभिन्न प्रकार की असमानताएं प्राकृतिक असमानताओं के उदाहरण। इसके अतिरिक्त असमानता की धारणा को समाज द्वारा अपनाया जाना अनुचित ही नहीं वरन असंभव भी है। वर्तमान समय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानताएं देखते हैं उस असमानता के दो प्रकार हैं और दो प्रकार के कारणों के आधार पर दो प्रकार की समानताएं हैं, असमानताएं। एक प्रकार की असमानता वह है जो मूल रूप से प्रकृति में प्राकृतिक भेद है, लंबा छोटा, मोटा पतला, कुशाग्र मंद, और प्रकृति द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को बुद्धि बल तथा प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया गया है। इस भेद के कारण असमानता उत्पन्न होती है, उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं। समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की वह समानताएं हैं जो मूल समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है, मूल समाज द्वारा विषमताएं हैं। अनेक बार बुद्धि बल प्रतिभा में दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व जैसा विकास नहीं कर पाते जैसा विकास उन निमंत्र बुद्धि बल के धनिक बच्चे कर लेते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वह विषमता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। राजनीति विज्ञान की एक धारणा के रूप में समानता का तात्पर्य सामाजिक व मनुष्य को उत्पन्न वह समानता का अंतर से। इसका तात्पर्य यह है राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति के कहने पर उसे अवसर न मिले। यदि वह उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती है तो वह अपने जीवन का विकास कर सकता है। अतः समानता की विविधतम परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उस समानता का अंत हो सके, अंत किया जा सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य है, यानी सामाजिक वैमनस्य द्वारा, सामाजिक वैषम्य द्वारा जो असमानताएं हैं उसको दूर करने के लिए ऐसे साधन उठाए जाए ताकि उसको दूर किया जा सके। लोस्की ने इस प्रकार की इस विचार पर व्यक्त करते हुए लिखा है कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथम समानता का से विशेषाधिकारों के अभाव से। पहली जो समानता है हमारी, जो प्राकृतिक समानता है, उसमें विशेषाधिकारों की बात नहीं है। द्वितीय समानता है उसमें विकास से सुपर्याप्त अवसर देने चाहिए, जो सामाजिक असमानता है। पहले प्रकार की असमानता है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, विशेष अधिकार का जरूरत नहीं होती। दूसरे प्रकार की जो असमानता है उसके दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। अब समानता के पक्ष कौन कौन से हैं, आयाम कौन कौन से हैं, वेरियस
डिमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के पक्ष कौन से हैं, आयाम कौन से हैं। दूसरा हमारा है समानता के आयाम या पक्ष, किस प्रकार की समानताएं होती है, किस प्रकार की समानताएं है, ये सामाजिक पक्ष है, सॉरी समानता के विविध आयाम है, सामाजिक पक्ष है, ये चार प्रकार के आयाम है, चार प्रकार के आयाम है। पहला जो आयाम है, पहला जो पक्ष है, पहला पक्ष है वैधानिक या कानूनी या फिर समानता का कानूनी पक्ष। पहला है वैधिक या कानूनी पक्ष या कानूनी समानता, या कानूनी समानता। पहली जो वो समानता है जो कानून की दृष्टि से, विधान की दृष्टि से सभी को समान होती है। दूसरी है राजनीतिक समानता या समानता का राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक समानता या फिर समानता का राजनीतिक पक्ष, या फिर समानता का राजनीतिक पक्ष। दूसरा जो है हमारा राजनीतिक समानता या फिर समानता का राजनीतिक पक्ष। तीसरा है सामाजिक समानता या फिर समानता का सामाजिक पक्ष, समानता का सामाजिक पक्ष। तीसरा है सामाजिक समानता या फिर समानता का सामाजिक पक्ष। चौथा आर्थिक समानता, आर्थिक समानता या आर्थिक समानता या समानता का आर्थिक पक्ष, समानता का आर्थिक पक्ष। ये समानता के आयाम है। आयाम का मतलब क्या होता है, वर्तमान समय की संभवतः सर्वाधिक लोकप्रिय धारणा है और विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं में अपने अपने तरीके में समानता का प्रतिपादन किया। इस प्रकार समानता के चार रूपों में वर्णन किया गया, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। अब हम पहली बात करते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक आता है वैधानिक या वैधिक या फिर कानूनी पक्ष या फिर कानूनी समानता, ये क्या है इसके बारे में हमें अध्ययन करना है कि वैधिक कानूनी पक्ष या कानूनी समानता क्या है। जो समानता कानून की दृष्टि से है वो कानूनी समानता है। अब इनके पक्ष के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। कानूनी समानता का अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हो, सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। ब्रिटेन में वैधानिक व्यवस्था विधि के शासन या कानूनी समानता की स्थिति को प्रदान करने की व्यवस्था है। कानूनी समानता के कौन कौन सी बातें आती है वो देखते हैं हम। कानूनी समानता में पहली आती है कानून के समक्ष समान, पहली बात आती है कानून के समक्ष समान।
पहली जो बात आती है वो आती है, पहला जो पक्ष आता है वो ये आता है कि कानून के समक्ष समानता है, कानून की दृष्टि से देश के सभी नागरिक समान हैं। इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून बनाएगा और कानून को समान रूप से लागू करेगा। राज्य जन्म, वंश, लिंग, धर्म, जाति, जन्मस्थान, धनी गरीब, ऊंच नीच आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आइवर जेनिक्स के अनुसार इसका अर्थ यह है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्ति के साथ कानून और व्यवहार एक समान होना होगा। अंग्रेज विधि शास्त्री डाइसी ने विधि के समक्ष समान व्याख्या इस प्रकार की है कि हमारे देश में प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या पुलिस का सिपाही हो या फिर कर वसूल करने वाला अधिकारी, वैधानिक दृष्टि से उतना ही दोषी को माना जाएगा जितना कोई अन्य साधारण व्यक्ति। ये हमारा कानून के समक्ष पहली बात है। दूसरी बात है कानून का समान संरक्षण। कानून में समान संरक्षण, कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण देगा। कानून की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को समान संरक्षण न दिया जाए या न समान संरक्षण हो। कानून के समक्ष समानता, कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसके साथ ही कानूनी समानता का एक सकारात्मक पक्ष है, जिसका अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। राज्य कानून के माध्यम से अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान करता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं प्रदान करता है, उनके संबंध में राज्य अपने नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें यह बात निहित है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में या राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। यह भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है। नंबर 3, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। तीसरा जो है हमारा, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। कानूनी समानता की यह धारणा एक बात यह भी सम्मिलित है कि अधिकार के साथ साथ सभी व्यक्तियों के कर्तव्य समान होंगे। जन्म, वंश, धर्म या संपत्ति आदि के आधार पर न तो कोई विशेष सुविधाएं प्रदान होती और न ही उनके कर्तव्य अलग माने जाएंगे। नंबर 4, करों के निर्धारण में समानता। करों के निर्धारण में समानता। नंबर 4 है हमारा, करों के निर्धारण में समानता। करों की दृष्टि से समान, सभी व्यक्तियों को एक निश्चित आयु सीमा पर, आय सीमा पर सभी को कर एक समान होगा। करों का निर्धारण करते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि करों का बोझ, टैक्स का बोझ सभी के ऊपर डाला जाए। इस प्रसंग में कर देने की क्षमता के आधार पर अवश्य भेद किया जा सकता है। धनी व्यक्तियों का करों का अधिक बोझ होगा, निर्धन व्यक्तियों पर करों का कम बोझ होगा और कम बोझ कानूनी समानता के सिद्धांत के अनुसार ही होता है। नंबर 5, विवेक संबंध आधार पर भेदभाव मान्य। विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य, विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। कानूनी समानता का विचार राज्य द्वारा मनमाने आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का निषेध करता है। विवेक संगत आधार पर किसी भी वर्ग विशेष को विशेष सुविधाएं दी जा सकती है, जैसे भारत में आरक्षण का प्रावधान किया जो समानता के सिद्धांत का इसका निषेध नहीं करता।
शर्त यह है कि उस स्थिति में उस वर्ग के लोगों को समान रूप से लागू हो। उदाहरण के लिए राज्य ऐसा कानून बना सकता है कि अमुक राशि से कम आय वाले लोगों को सरकारी दुकानों से सस्ता अनाज दिया जाए, अथवा परिवारों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में छूट दी जाए। राज्य व्यवस्था में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुविधाएं दी जाए। वे इसी श्रेणी में आती है। वर्ग विशेष को प्रदान की जाने वाली इस सुविधा को न्यायालय में इस चुनौती के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि कानून की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध। नंबर दो आता है हमारा राजनीतिक समानता या समानता का राजनीतिक पक्ष। नंबर दो है राजनीतिक समानता या राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक समानता या फिर राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजतंत्र, कुलीन तंत्र या तानाशाही व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती। इन व्यवस्थाओं में जन्म और वंश के आधार पर भेदभाव एक सामान्य स्थिति है। लेकिन जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। राजनीतिक समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से क्या क्या समानताएं होती है उनका बात करते हैं। नंबर एक, मतदान का अधिकार। नंबर एक, मतदान का अधिकार। राज्य कानून की दृष्टि से नागरिकों को समान रूप से मतदान का अधिकार देता है। समान रूप से सभी नागरिक मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान का अधिकार राजनीतिक समानता की प्रथम स्थिति है। इसका आशय है धर्म, जाति, संपत्ति, शिक्षा या लिंग के आधार पर किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अवैसक नागरिक व्यक्तियों, पागल, दिवालिये या संविधान द्वारा मान्य अन्य किसी भी आधार पर अवश्य ही किन्हीं व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। दूसरा है चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। इसमें यह बात निहित है कि संविधान में उल्लिखित किसी भी अयोग्यताओं से ग्रसित व्यक्तियों को उम्मीदवार होने से अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता। भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ योग्यताओं को निर्धारण किया गया है जो राजनीतिक समानता के विरुद्ध नहीं है। उस योग्यताओं के आधार पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। नंबर तीन, प्रार्थना पत्र का अधिकार। प्रार्थना पत्र का अधिकार। प्रार्थना पत्र का अधिकार। नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने, इस माध्यम में अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए। नंबर चार, राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। राजकीय नियुक्तियां तथा समान सम्मान पाने का अधिकार। राजनीतिक नियुक्तियां तथा समान पाने का अधिकार।
राजनीतिक नियुक्तियां तथा राजकीय सम्मान के लिए सभी को समान रूप से अधिकारी समझा जाएगा, केवल शिक्षा सेवा उसी योग्यता के विशेष योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। नंबर 5, विचार की अभिव्यक्ति दलीय संगठनों का निर्माण करेगा। विचार की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार। विचार की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार। जलम लिंग जाति के आधार पर सभी व्यक्तियों को इस प्रकार से कोई रोक नहीं है। सभी व्यक्तियों को समान रूप से विचार की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों को निर्माण की बात कही जाती है समानता के अधिकार में। अब हम एक बार आज बात कर लेते हैं, आज हम बात करें समानता के अधिकार। समानता क्या है? समानता के अर्थ की बात की, समानता का आयाम और पक्ष की बात। समानता का आयाम और पक्ष कुछ चार है, वेदा की या कानूनी समानता, राजनीतिक समानता या समानता का राजनीतिक पक्ष, सामाजिक समानता या समानता का सामाजिक पक्ष, आर्थिक समानता या समानता का आर्थिक पक्ष। आज हम दो समानताओं की बात कर रहे हैं, दो समानताओं की बात कर रहे हैं, वैधानिक या कानूनी पक्ष या कानूनी समानता। दूसरा है हमारा राजनीतिक समानता या राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक समानता या राजनीतिक पक्ष। वैधानिक समानता में कानून के समक्ष समानता, कानून में समान संरक्षण, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, करों के निर्धारण में समानता और विवेक समान समानता, यानी वैधानिक जो समानता है ये 5 प्रकार की समानता है। राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो ये भी 5 प्रकार की है। मतदान का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, प्रार्थना पत्र का अधिकार, राजनीतिक नियुक्तियों तथा समान पाने का अधिकार, विचार की अभिव्यक्ति या फिर दलीय संगठनों का निर्माण का अधिकार। हमें कोरोना के साथ रहना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, मास्क जरूरी। आज हम इतना ही, धन्यवाद।